नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे ब्रेन के ऊपर अल्कोहल का एक दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, तो क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और क्यों हमारी ये अल्कोहल हमारे ब्रेन पर इम्पैक्ट डालती है, जिस वजह से काफ़ी हिंसा के मामले और आपकी बॉडी पर हेल्थ डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। दरअसल अगर हम अल्कोहल की बात करें तो आप सबको पता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है, एक पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस का काम होता है कि हमारी छोटी छोटी मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। आप सभी ने जो भी चीज़ें देखी या आप कहीं बाहर गए, किसी पार्टी में गए, वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सभी मेमोरीज़ को ये लेकर के एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जब हम शराब पीते हैं, इसके बाद कभी भी आपको चीज़ें जो है वो प्रॉपर्ली याद नहीं रहती, तो ये माना जाता है कि ये शराब आपके हिप्पोकैम्पस पर जाकर प्रभाव डाल रही है, जिस कारणवश आपका हिप्पोकैम्पस आपकी उन छोटी छोटी यादों को कभी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बना नहीं पाता। और ये डायरेक्ट प्रभाव आपके हिप्पोकैम्पस नाम के हिस्से में पड़ता है, जो कि सेरिब्रम, आपका सबसे बड़ा पार्ट, फोर ब्रेन के अंदर देखा जाता है। तो जब भी बात आती है कि शराब पीने के बाद एक व्यक्ति जो है वो सीधे चल नहीं पाता, ये किस वजह से देखा जाता है? एक व्यक्ति अगर सीधे नहीं चल पा रहा, यानी कि उसका पोस्चर, उसका लोकोमोशन बिगड़ा हुआ है, और ये आपका मुख्य तौर पे आपके सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क के ऊपर प्रभाव की वजह से देखा जाता है। हमारे सेरिबेलम का काम होता है कि ये बॉडी के पोस्चर को बनाता है, लोकोमोशन को हेल्प करता है। तो यहाँ तक तो आप सभी ने देख लिया, लेकिन अब बारी है अपने मेंस एग्जाम को टारगेट करने की। तो अगर आपको भी अपने मेंस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो आपका कंप्लीट मेंस बैच आ चुका है। आपके सारे सब्जेक्ट्स, आपको डर रहता है, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, या आपकी स्टैटिक जीके हो, कंप्यूटर्स हो स्पेशली, या फिर हम साइंस की बात करें, तो सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं आपके कंप्लीट मेंस बैच के अंदर, जहां आप लोगों को कंप्लीट स्टडी नोट्स, पीडीएफ, आपके हैंड रेज का फीचर भी है, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन पे अपने टीचर से अपने डाउट्स को कंफर्म कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, और साथ साथ में अपने नोट से, अपने मॉक टेस्ट से अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग भी कंप्लीट मेंस बैच में जुड़ें और अपनी तैयारी को और अच्छा करें। सो जल्द से जल्द जुड़ें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपने शराब का सेवन किया है, तो वो अल्कोहल जाकर के आपके सेरिबेलम पर असर डालेगी और आप कभी भी सीधे नहीं चल पाओगे, अपने पोस्चर को बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो हमारे बॉडी के अंदर जब जो भी व्यक्ति ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, उनकी बॉडी में आगे चलकर आप कई वर्षों तक लगातार इसका सेवन कर रहे हैं, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपको डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि भूलने की बीमारी। आप अपनी चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि शराब का सेवन डेफिनेटली आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, इंजूरियस है। इसका सेवन आप सभी को यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिमेंशिया की अगर हम बात करें, यानी कि हमारे भूलने की बीमारी की बात करें, तो इसका केवल एक कारण शराब ही देखा जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं, आप प्रॉपरली भोजन नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, आपका बाहर का खाना पीना बहुत ज़्यादा है, जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा है, इन कारणों से भी आपको डिमेंशिया या भूलने की बीमारी देखने को मिलती है। सो सबसे मेन जो हमें दिखा यहाँ पर कि अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, और साथ साथ में इस अल्कोहल के अंदर मुख्य तौर पे जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, यहाँ पाई जाती है इथेनॉल। इथेनॉल जिसका बहुत कम परसेंटेज, 3 से कम प्रतिशत हर एक अलग अलग इसके प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। और मुख्य तौर पे अगर हम अल्कोहल की बात करें, इसके अंदर किस प्रकार की शुगर पाई जाती है, ये बात आज आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। तो यूं ही जुड़े रहें ऐसे ही अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।